बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस भी आप सब देखते होंगे। और मुझे आप सब लोगों के कमेंट्स का भी वेट रहता है, अपने कमेंट्स हमें देते रहा करें, मुझे इसे अप्रिशिएट भी होते रहता है, इंसान हौसला अफजाई हो जाती है और पता भी चलता है कि हम कितने इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और बेस्ट आगे और ताकि साथ साथ आपके लिए रेमेडीज़ भी लेकर आते रहें। और काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलें अब आज का जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करती हूँ, सुरमा से रिलेटेड। ये है सुरमा, ये देख लें, ये सुरमा। ये टेलीफोन में है, ये देखें, ये सुरमा है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का सुरमा आप लें डेलीफॉर्म में, डेलीफॉर्म में आप सुरमा ले लें। उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट्स की जो हमें जरूरत पड़ेगी वो बड़ी इलायची, घर में खानों में यूज होती है बड़ी इलायची, ये इसके दाने, बस ये सुरमा और बड़ी इलायची के दाने, इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मैंने क्या किया था, यही वाला सुरमा, ये तो ज़्यादा था ना, इसका एक पूरी एक डली मैंने इसमें डाली थी, ये देखें, ये मैं आपको बताती हूँ, ये इसको मैं कर भी रही हूँ, ये 8 से 10 नहीं बल्कि 12 या 15 दिन आपने इसको रगड़ना है, इस उसी से सुरमे को अच्छी तरह से, इस तरह से। किस चीज़ के साथ रगड़ना है, आपने जस्ट इसमें ये जो भरी इलायची के दाने हैं इनको आपने ऐड करना है। सुरमे की एक डली है तो इसमें आपने 8 या 10 भरी इलायचियों के दाने यूज़ करने हैं, ये देखें, भरी इलायची के दाने पहले से भी इसमें मैंने ऐड किए हुए थे, ये इसमें से, ये देखें, भरी इलायची के ये दाने निकल आए। निकालने के बाद इसमें हमने सुरमे को ऐड कर, ये देखें, बड़ी इलायची के दाने इसमें हमने ऐड किए, ये देखें, सुरमा यही वाला और बड़ी इलायची के दाने, पहले से मैं इनको पीसने के लिए रखा हुआ था। कंटिन्यू रोज़ाना रूटीन में आपने 2 घंटे तो इसको, सुरमे को मस्ट ज़रूरत है ना इसको बारीक पाउडर की फॉर्म में देने की, अभी भी इसके दाने मौजूद हैं, 2 घंटे तो जाहिर है कंटिन्यू इंसान कोई भी बंदा हो नहीं पीस सकता है। आपने क्या करना है, आधा आधा घंटे के लिए इसको पीसना है, छोड़ देना है, आधे घंटे तक आप थक जाते हैं, जाहिर है हर इंसान थक जाता है, आधे घंटे तक आप पीसें, बल्कि 15 मिनट एक कोई एक पीस ले फैमिली मेंबर में से, फिर 15 मिनट कोई दूसरा फैमिली मेंबर पीस ले इस सुरमे को, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से बड़े आराम से आपने पीसना है। ये जो इसकी खरल है ये बिल्कुल इसमें कट्स नहीं है, प्लेन है बिल्कुल, इसकी जो खरल की जो है ना, ये कुंडी इसे कह लें, जैसे इजी वर्डिंग में कुंडी की जो इसका अर्थ पार्ट है अंदर से वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कट्स नहीं है, जिस तरह से दूसरी कुंडियों में होते हैं मसाला पीसने वाली में, उस तरह से नहीं है इसमें कट्स। इसको आपने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से पीसते रहना है। मैंने अभी अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि 15 मिनट एक फैमिली मेम्बर में से कोई पीस ले वो हट जाए, फिर 15 मिनट दूसरा फैमिली मेम्बर को पीस ले,
ये गिरना भी नहीं चाहिए, पर ये आराम से, पर तहम्मुल से, और ये सब्र आजमा वर्क है, काम है, आराम आराम से आप पीसें इसको पूरे इसी तरह। पूरे दिन में आपने पूरे 2 घंटे इसके कंप्लीट करने हैं पीसने के, कंटिन्यू रोज़ाना इसी तरह आपने 12 दिन या 15 दिन इसको पीसना है, जब तक इसके सुरमे के ये दाने और इसकी ये जो शाइन है दानेदार ये ख़त्म ना हो जाए। अभी भी इसको बहुत ज़्यादा पीसने की ज़रूरत है। ये देखें, इसको इस तरह से आराम आराम से आप पीसते जाएं पीसते जाएं पीसते जाएं, कि इतना बारीक कि पाउडर फॉर्म में ये होना चाहिए, ताकि आपके जब आंखों में आप लगाएं इस सुरमे को, तो इसके दाने आपकी आंखों में चुभे ना। बिल्कुल पाउडर जिस तरह से बाजार का हम सुरमा लेते हैं, उसमें हम जब आंखों में यूज़ करते हैं तो बिल्कुल भी उसको लगता ही नहीं है, ना उसके दाने फील होते हैं, ना कुछ चुभन फील होती है। इतना ज़्यादा बारीक आपने इसको ग्राइंड करना है, किसी भी ग्राइंडर में ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको आपने इसी तरह से इसी चीज़ में आप इसको पीसेंगे रोज़ाना कंटिन्यू। अब इसके बेनिफिट्स की तरफ मैं आती हूँ, वो बताती हूँ आपको इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं सुरमे के। ये जो सुरमा है, इलायची और सुरमा, दोनों सुरमा इस्फहानी को मिक्स करके बनाया गया है ये सोमा। हर 2 अदविया को एक घिसने वाले कर में डालकर जोरदार हाथों से 10 रोज़ या फिर 15 दिन के लिए आपने खड़ करना है, और शीशी में जब ये बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में हो जाए तो इसको आपने एक शीशी में सेव करके रख लेना है। या सुरमा दाने को ये खाली हुई हुई हो, या बाजार से आप न्यू परचेज कर लें और उसमें आप डाल कर रख लें। रोज़ाना से आप कंटिन्यू रेगुलर आपने यूज़ करना है, हर सुबह और शाम में 2 टाइम्स आपने इनको यूज़ करना है, और अल्लाह ताला का नाम लेकर आपने यूज़ करना है, आंखों में लगाना है। और अब इसके मैं फ़वाइद की तरफ आती हूँ। इसको कंटिन्यू यूज़ किया जाता है आंखों में, कोई फोला सा जिसे कहते हैं आप, उसके लिए धुंध आ जाती है आंखों में, जला आ जाता है, पानी आंखों से जाता है, सुर्खी हो जाती है, आंखें रेडिश हो जाती हैं, ख़ारिश आंखों में होती है, उसके लिए इन सब आइज़ की जो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी ना, उन सब के लिए ये बहुत बेस्ट सुरमा है। बेइंतहा इसकी अफादियत है, बहुत ज़्यादा। ये हमने पहले भी यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा ये ख़त्म हो गया था, तो फिर अगेन से हमने बनाना स्टार्ट किया है। और इसके बहुत अच्छी सिर्फ दर्जे की है, ये तंदुरुस्त हजरात भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एवरी एज के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी उम्र के हों। और ये दिमागी काम करने वालों के लिए भी बेहतरीन सुरमा है, जो लोग आइस रिटर्न वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, या स्टडी का बहुत ज़्यादा टीचिंग वगैरह में, या कंप्यूटर वगैरह, आजकल तो वैसे भी कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह सबके पास ही है, और सभी बहुत ज़्यादा इसका इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ भी करते हैं, तो इन सब के लिए भी बहुत बेस्ट है ये सुरमा। आप आंखों में सुबह मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले यूज़ करें। 3 सिलाइयाँ आप राइट आइस में डालें, और 2 सिलाइयाँ या 3 ही सिलाइयाँ आप उसमें डालें बाईं आँख में। रोज़ाना आपने यूज़ करना है, कंटिन्यू यूज़ करेंगे, आपकी आँखों की जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, आँखों की नज़र का इशू है, इस सब प्रॉब्लम्स, आइस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स है, वो सब इस सुरमे से दूर हो जाएंगी। ये है कि इसको आपने कंटिन्यू यूज़ करना है, सब्र आजमा ये चीज़ है, और इसको आप रेगुलर कंटिन्यू 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ कंटिन्यू यूज़ में रखें, फिर आप देखिएगा कि आपकी आंखों की वाइटनेस भी क्लियर होगी, आपके जाले भी नहीं आएंगे, धुंध भी और पानी भी जाना दूर हो जाएगा, रेडिश भी आंखों की, आंखों में ख़ारिश भी, हर किस्म की प्रॉब्लम्स में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल देखा गया है। काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।